केंद्र की तर्ज पर योगी सरकार 2.0 में 3 पूर्व अफसरों की एंट्री होने जा रही है। इसके लिए भाजपा में उच्च स्तर पर मंथन भी चल रहा है। योगी आदित्यनाथ जब भी सीएम पद की शपथ लेंगे, उनके साथ या कुछ समय बाद इन पूर्व अफसरों को कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई जा सकती है। पूर्व अफसरों के जरिए योगी सरकार के कामकाज को पहले के मुकाबले और चुस्त दुरुस्त करने की तैयारी है, जिससे 2024 में लोकसभा के लिए यूपी में भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने में मदद मिल सके। आखिर कौन है ये ब्यूरोक्रेट, आइए जानते हैं। पहला नाम है ए के शर्मा। 1988 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी रहे हैं। ए के शर्मा यूपी के मऊ जिले के रहने वाले हैं। शर्मा का लंबा प्रशासनिक अनुभव है, साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। पिछले साल ही VRS लेकर उन्होंने BJP ज्वाइन किया था, जिसके बाद जून 2021 में उन्हें उत्तर प्रदेश भाजपा का उपाध्यक्ष बनाया गया। तब भी ये चर्चा चल रही थी कि चुनाव से पहले शर्मा को सरकार में शामिल किया जाएगा, लेकिन तब बात नहीं बन पाई। वहीं अब योगी आदित्यनाथ की दूसरी सरकार में ए के शर्मा को मंत्री के पद पर शामिल करने की संभावना जताई जा रही है। दूसरा नाम है राजेश्वर सिंह। राजेश्वर सिंह ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ED में काम किया है, साथ ही लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर जीत भी दर्ज की। ED में रहते हुए राजेश्वर सिंह ने कई बड़े घोटालों की जांच की, जिसमें 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील, एयरसेल मैक्सिस घोटाला, आम्रपाली घोटाला, नोएडा पौंजी स्कीम घोटाला, गोमती रिवर फ्रंट शामिल रहे। अब माना जा रहा है कि चुनाव जीतने के बाद योगी कैबिनेट में उन्हें जगह मिलेगी, उन्हें महत्वपूर्ण महकमे भी दिए जाएंगे। तीसरा नाम है अरुण असीम का। कानपुर के पुलिस कमिश्नर अरुण असीम ने भी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले VRS लेकर भाजपा में शामिल हुए थे। पार्टी ने उन्हें कन्नौज सदर विधानसभा सीट से मैदान में उतारा था। ये सीट सपा के लिए बेहद सुरक्षित सीट मानी जा रही थी, लेकिन अरुण असीम ने जीत की हैट्रिक लगा चुके सपा के अनिल दोहरे को 6000 से अधिक वोटों से मात दी। अरुण असीम को भी कैबिनेट में लाने की चर्चा जोरों पर है। इसके पीछे दो कारण है, एक उनका प्रशासनिक अनुभव, दूसरा ये कि वो दलित समाज से आते हैं। ऐसे में समाज को साधने में भी भाजपा को आसानी होगी। उत्तर प्रदेश में मिली शानदार जीत के बाद योगी आदित्यनाथ 2 दिन दिल्ली में आकर सभी बड़े नेताओं से मिल चुके हैं। माना जा रहा है कि होली के बाद मुहूर्त दिखाकर दूसरी बार योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ लेंगे। ऐसे में योगी की कैबिनेट कैसी होगी, इस पर भी होली के बाद ही विस्तार से चर्चा होगी। ऐसी और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहे दैनिक भास्कर ऐप के साथ। डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप, क्योंकि सच करीब से दिखता है।